हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। काले घने लंबे बाल किस लड़की की ख्वाहिश नहीं होती है, और कौन नहीं चाहता कि उसके बाल घने हो, लंबे हो। इवन लड़के भी चाहते हैं कि उनके बाल घने हो, काले हो। तो क्या होता है कि हम इस पोल्यूशन की वजह से या फिर सबका बिजी शेड्यूल रहता है, तो इसलिए हम अपनी बालों की, अपनी हेयर्स की केयर नहीं कर पाते हैं। उससे क्या होते हैं, हेयर्स फ्रीजी हो जाते हैं, वॉल्यूम कम हो जाता है, झड़ने लगते हैं। तो इन सब चीज़ों का उपाय क्या है, और वैसे भी लॉकडाउन चल रहा है, हम अच्छे से अपनी हेयर केयर कर सकते हैं, तो हम इस वीडियो में आज वही जानेंगे। तो आप लोग लॉकडाउन में सेफ रहिए, अपने घर पर रहिए, ये मैं आपसे बोलना चाहती हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, क्या है कि हमारे जो बाल है, जो बालों की क्वालिटी है, वो ज़्यादातर जेनेटिक होती है। अगर हमारी घर वालों के, हमारे पेरेंट्स के बाल घने लंबे होते हैं, तो हमारे ऑटोमेटिक घने लंबे आ जाते हैं। बट क्या होता है, किसी किसी के जेनेटिक प्रॉब्लम होती है कि बहुत ही कम बाल होते हैं, वॉल्यूम नहीं होता है, बालों की क्वालिटी नहीं होती है। इसकी वजह से बहुत उनको एम्बेरस फील होता है, वो भी चाहते हैं कि हमारे बाल लंबे रहें, घने रहें। चेहरे पे एक अलग सा लुक लाता है जो हमारे बाल होते हैं। सभी कहते हैं कि बाल हमारे चेहरे का गहना होते हैं। तो चलिए हम वीडियो में जानेंगे कि अपने बालों को घना लंबा कैसे बनाया जा सकता है। सो क्या होता है फ्रेंड्स, आजकल हमारी इतनी बिजी लाइफ हो गई है कि हम अपने ऊपर ध्यान ही नहीं दे पाते हैं, और फेस के ऊपर ध्यान देते हैं बट बालों के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। और पॉल्यूशन का, धूप का सीधा इफेक्ट हमारे बालों पे ही पड़ता है, तो हमें अपने बालों का बहुत ही ध्यान देना पड़ता है। बट आजकल इतने केमिकल्स भी हैं, और आजकल शैम्पूज जो हम यूज़ करते हैं, जो ऑयल भी यूज़ करते हैं, उसमें इतने केमिकल्स मिले होते हैं कि हमारे बालों को वही ख़राब कर देते हैं। तो आज हम वीडियो में ये जानेंगे कि हम अपने बालों की केयर अच्छी तरह से कैसे कर सकते हैं, उन्हें हेल्दी कैसे बना सकते हैं, घना कैसे बना सकते हैं। सो फ्रेंड्स, क्या करना है, पहली बात तो आपको शैम्पू, ऐसा नहीं कि हाँ, बहुत लोग होते हैं कि पर डे शैम्पू करने की उनकी आदत होती है, पर डे शैम्पू किया फिर कंडीशन किया, इससे हमारे बाल बहुत डैमेज हो जाते हैं। क्योंकि आप किसी भी कंपनी का शैम्पू यूज़ करेंगे, उसमें केमिकल होगा ही होगा। इवन आप बेबी शैम्पू भी यूज़ करते हैं, उसमें भी लिटिल अमाउंट ऑफ केमिकल होता है। तो हमें पहले ये अवॉइड करना होगा, हमें हफ्ते में ये रखना होगा कि हमें कितने दिन अपनी हेयर वॉश करनी है। सपोज़ आप हफ्ते में संडे को करते हैं, तो वेंसडे को कर लीजिए, उसके बाद फिर संडे को कर लीजिए। बट सपोज़ आप संडे को करते हैं, फिर ट्यूसडे को, देन फिर थर्सडे को, इससे आपके बालों की क्वालिटी बहुत ही कम होगी। सो अभी हम जानेंगे कि अगर आपके बाल ख़राब हो गए हैं, तो उसको आप सही कैसे कर सकते हैं, सिर्फ होम रेमेडी ही यूज़ करके। हमें बाहर का कुछ नहीं लेना है, नो केमिकल, नो साइड इफ़ेक्ट्स। सो हमें होम रेमेडी से ही अपने बालों की केयर कैसे करनी है, तो ये जानेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे बेस्ट तरीका है हम अपने बालों को चंपी करें। रात में सोने से पहले अपने बालों को अच्छी तरीके से, अपने बालों की रूट्स तक ऑयल जाए, वो चंपी करें। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका होता है, जो भी ऑयल आपको सूट करता है। बट आई विल रिकमेंड यू द कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल बहुत ही अच्छा होता है, बहुत सालों से चला आ रहा है, हर कोई इसको यूज़ करता है। तो मैं आपको रिकमेंड करती हूँ कि आप कोकोनट ऑयल यूज़ करिए। तो ये मेथड था कि आप अपनी बालों की केयर कर सकते, कैसे कर सकते हैं। बट जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप हफ्ते में एक हेयर स्पा जैसा लुक, आप अपने हेयर को ब्लैक कैसे कर सकते हैं, थिक कैसे कर सकते हैं, उसका एक बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीका है। बहुत लोग बहुत पहले से यूज़ कर रहे हैं, बट आजकल की जनरेशन को वो ज़्यादा पता नहीं होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, शैम्पू उठा लेते हैं, कोई भी केमिकल वाले प्रोडक्ट मिला वो उठा के हम अपने बालों में लगा लेते हैं। बट मैं आपको बताती हूँ कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो बालों को एक ही वॉश में, एक ही बार यूज़ करने में आपको बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देगी, वो है एग। एग में भर भर के प्रोटीन होता है। एग अगर हम यूज़ करते हैं, तो हमारे बाल थिक भी होंगे, जहाँ बाल नहीं है वहाँ भी बाल आते हैं, ऐसा है। तो आप एग यूज़ करिए। बट एग को कैसे यूज़ करना है, मेथड नहीं पता होता है सबको, तो आपको कैसे यूज़ करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। आपको क्या करना है, एक एग, अगर आपके बाल बहुत लंबे हैं तो आप दो एग लीजिए। एग को होल अमाउंट निकाल लीजिए, वाइट पार्ट और येलो पार्ट दोनों निकाल लीजिए। आप उसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए, उसमें 2 टेबल स्पून ऑफ कोकोनट ऑयल मिलाना है आपको। उसके बाद
उसमें थोड़ा सा और गीलापन आ जाए तो आप चाहें तो 2 टेबल स्पून ऑफ वाटर भी मिला सकते हैं। अगर आपको नहीं चाहिए तो आप वाटर मत मिलाइए, बट कोकोनट ऑयल इज़ मस्ट, उसको ज़रूर से ज़रूर मिलाइए। अगर आपके पास कोकोनट ऑयल नहीं है या फिर आप कोकोनट ऑयल यूज़ नहीं करते हैं तो आप उसकी जगह आलमंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। आपने इसका मिक्सचर बना लिया, उसके बाद आपको क्या करना है, उस मिक्सचर को आपको इस मिक्सचर को लगाने के बाद हेयर वॉश करना ही करना है। तो आप क्या करेंगे, मिक्सचर को लिया, अपने हर एक पार्ट, बालों के हर एक पार्ट, उसको छोटे छोटे सेक्शंस में डिवाइड करके आप उसको लगा लेंगे। उसके बाद आपको इसे आधे घंटे या फिर 1.5 घंटे आप इसको रखिए। उसके बाद किसी भी माइल्ड शैम्पू से इसको वॉश कर लीजिए। वॉश करना इसलिए ज़रूरी है कि क्योंकि आपको अंडे की स्मेल बर्दाश्त होने वाली है नहीं, तो आप वॉश ज़रूर कर लीजिएगा। उसके बाद जो आपको रिज़ल्ट मिलेगा, इंस्टेंट रिज़ल्ट मिलेगा, आपके बाल सिल्की लगेंगे, शाइनी लगेंगे, तो और उसके बाद आपके हेयर फॉलिकल्स भी आएंगे, ग्रोथ भी होगी। तो आप इस मेथड को हफ्ते में एक बार ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको ये मेथड इफ़ेक्टिव लगा हो, वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए लाती रहूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।